अस्सलामुअलैकुम। आज की पीडब्ल्यूडी डेली न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ इकरा शाबान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ल्यूमिनस। खबरनामे का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं झंग से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर की हदायत पर अवामुल नास के लिए आगाही पैगाम रिकॉर्ड कराए गए हैं। बच्चे के लिए माँ का दूध इस हवाले से कुरानी तालीमात क्या हैं, इस हवाले से आगाह कर रहे हैं हाफिज़ एहसन अदील। मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद अहसन अदील आप हजरात से मुखातिब हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वल वालिदातु युर्दिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, और माएँ अपने बच्चों को दो साल की मुद्दत तक दूध पिलाएं। ऐसा करने से माँ और बच्चा दोनों की सेहत के लिए मुफीद है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हर माँ कम से कम दो साल तक बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। बच्चे के लिए माँ की दूध की क्या अफादियत है, इस हवाले से आगाह कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस झंग से कारी मोहम्मद बिलाल साहब। मुलाहिज़ा कीजिए। والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه اللہ رب العزت نے قران مجید سلطان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ والدہ جو ہے اس کے ذمہ ہے کہ اپنی اولاد کو دو سال تک دودھ پلائے اور یہ اس کے لیے ضروری ہے یہ دودھ پلانے کی مدت اس لیے بتائی گئی تاکہ والدہ جو ہے اپنی صحت کو برقرار رکھ سکے اور اگر وہ یہ دو سال تک کی مدت پوری نہیں کرتی اپنے بچوں کو دودھ چھڑا دیتی ہے तो इसके अंदर माँ को भी नुकसान है बच्चे को भी नुकसान है। जब तक बच्चा अपनी वालदा का दूध सही तरीके से पूरे दो साल तक नहीं पिएगा, किसी और तरीके से दूध पिलाया जाएगा, तो बच्चा जो है हमेशा कमजोर ही रहता है। बच्चे की नशो नुमा ठीक नहीं होती, बच्चे की परवरिश ठीक नहीं होती। फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके अंदर बच्चे को परेशानी उठानी पड़ती है, तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए वालदैन को चाहिए कि अपने बच्चे की परवरिश सही तरीके से करें, माँ अपने बच्चे को दो साल तक सही तरीके से दूध पिलाए। हाँ, और अगर वो ये दूध पिलाने का तरीका किसी और दाइयों को देती हैं, तो उनके लिए भी ये जरूरी है कि जिसके जिम्मे ये लगा रहे हैं उसको भी हक सही तरीके से अदा कर सके। इसलिए अल्लाह रब्बुल इशाफ ने वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिलबाद, अल्लाह ताला से हर इंसान को डरते रहना चाहिए। और यही चीज है आजकल हमारे साइंसदान नफसिया यही कहते हैं कि वालदे के लिए ये सेहत के लिए जरूरी है, और अगर वो अपने बच्चे को दूध छुड़ा देंगी और बच्चों के नशोनुमा के अंदर लग जाएंगी, तो ये वालदे के लिए भी नुकसान होगा, बच्चे के लिए नुकसान होगा। अल्लाह हमें इस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सही मानों में अपने औलाद का सही हक अदा करने की तौफीक अता करे। ये थी आज की हमारी अहम तरीन खबरें। महकमा बहबूद आबादी पंजाब के मुतालिक दीगर खबरों को जानने के लिए देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल ल्यूमिनस। आपसे मुलाकात होती है एक और बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।